हे गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो माई सेल रुपेश बिहाइंड द कैमरा इज द एंड यू वाचिंग माय फूडी चैनल फूडी रुपेश। सो गाइस मैं आज आपको लेकर आया हूँ जलाराम वड़ा पाव स्वीट्स एंड फरसान में। यहाँ पे बहुत ही अच्छा वड़ा पाव मिलता है और यहाँ का एड्रेस हमारे एक सब्सक्राइबर है महक जी ने, उन्होंने यहाँ का सजेस्ट किया था और कहा था कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा वड़ा पाव मिलता है। सो गाइस आपको यहाँ पर वड़ा पाव के अलावा यहाँ पर आपको पातूरी, ब्रेड पकौड़ा, रगड़ा समोसा और पेटिस और भी बहुत सारी अच्छी वेरायटी मिल सकती है। इसके अलावा आप यहाँ पर स्वीट भी ट्राई कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस आर यू रेडी वॉचिंग दिस माय ऑसम वीडियो, लेट्स प्ले। तो गाइस मेरे साथ यहाँ के ऑनर हैं, इनसे मिलते हैं, इनका नाम जानते हैं। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम है जीतू भाई करके। अच्छा, तो जीतू भाई बताइए आपने शॉप चालू की है कितना समय हो गया? मेरा शॉप चालू किया सर मेरे को हो गया करीबन एक साल अभी। बहुत बढ़िया। और सर हमारे दर्शकों को बताइए आपके यहाँ पर क्या क्या वेरायटी मिलती है? मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा फेमस है वड़ा पाव सर। बहुत बढ़िया। वड़ा पाव मुमरी वड़ा पाव कोई बोलते हैं उसको, चूरा वड़ा पाव। सबसे पहले नवसारी में मैंने ये वड़ा पाव चालू किया था सर। ओके सर। और दूसरी अलावा अपने पास रगड़ा समोसा है सर। अच्छा। पेटिस है, फाफड़ा फेमस है हमारे, नाइलॉन फाफड़ा क्या रहता है यहाँ पे। और त्यौहार सीजन में कई बार हम डिस्काउंट भी पब्लिक को देते रहते हैं। अच्छा। कस्टमर खुश हम खुश। बहुत बढ़िया। मतलब कस्टमर का बेनिफिट रहता है वही हमारा मुनाफा रहता है सर। बहुत। और सर यहाँ का एड्रेस समझा दीजिए। यहाँ का एड्रेस है सर सुसुसा हॉस्पिटल के सामने। हाँ। जलाराम वड़ा पाव स्वीट एंड फरसान विजलपुर नवसारी। और सर यहाँ का टाइमिंग? यहाँ का टाइमिंग है सर सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक। बहुत बढ़िया। तो ठीक है गाइस हम लोग भी यहाँ पे कुछ ऑर्डर करते हैं और उसके बाद में आपको इसका फीडबैक देता हूँ। तो जीतू भाई बताइए सबसे पहले क्या बना रहे हैं? सर मैं आपके लिए सबसे पहले वड़ा पाव बोल रहा हूँ, चूरा बोल रहा हूँ। ओके ओके। हाँ तो सर ये बटर किस कौन से कंपनी का? ये बटर सर लिबर्टी कंपनी का आता है सर। अच्छा। तो गाइस देख लो इसके अंदर बटर आ गया, ये आ गया अपना मक्खन बटर सर। तो गाइस इसके अंदर बटर आ गया और ये आएगी लहसुन की चटनी। लहसुन की चटनी आ गई। ये हमारा 32 टाइप का मसाला है, वड़ा पाव का स्पेशल मसाला है सर। गाइस इसमें वड़ा पाव का मसाला भी आ गया और ये इसको मेल्ट कर रहे हैं। इसकी मेल्ट हो रही है सर। और सर ये पाव आपका डेली का फ्रेश रहता है? फ्रेश सर, डेली पाव हमारा फ्रेश ही रहता है सर। अच्छा। और सर इसका प्राइस बता दीजिए। सर प्राइस ऐसे 15 का एक है। हाँ। लेकिन दुकान का एक साल हो गया तो हमने स्कीम रखी है, 25 का दो वड़ा पाव मिलेगा। बहुत बढ़िया। तो गाइस देख लो इन्होंने पूरा मसाला ये ब्रेड के अंदर बाहर दोनों साइड लगा दिया और इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर वड़ा आ गया और ये इस, अच्छा इसके वजह से थोड़ा ये क्रिस्पी लगता होगा। अच्छा। तो गाइस देख लो ये हमारा रगड़ा समोसा रेडी हो रहा है। तो इसमें काफ़ी बिग साइज़ का इन्होंने रगड़ा समोसा लिया है। सर इसके अंदर फिलिंग किस चीज़ की होती है? सर बेहतरीन फिलिंग, आप खा के देख लीजिए एक बार। अच्छा। और ये सर ये देख लो गाइस ये यहाँ का रगड़ा आ गया, इसमें मटर दिख रहा है, आलू दिख रहा है और ये थोड़ा सा ग्रेवी बनाया इन्होंने। सर ये चटनी किस चीज़ की रहती है? चटनी आगे बढ़िया धोदीना। अच्छा। ये आगे अपनी खट्टी मीठी चटनी। अच्छा। इसमें क्या क्या रहता है सर अंदर? खट्टी मीठी इमली गुड़ रहता है। अच्छा। मसाला रहता है। ये आ गया दही। ये दही भी आ गया। ये आ गया सर आपके प्याज। प्याज आ गया।
सर इसका प्राइस बता दीजिए। ये सर प्राइस है इसका 25 रुपीज़। अच्छा ऊपर से सेव आगे सेव तो गाइस देख लो हमारा ये ऑर्डर आ गया। हमने यहाँ पे मंगवाया था स्पेशल वड़ा पाव। इसका प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, इसका प्राइस है 15 रुपया और ये हमने मंगाया था यहाँ पे रगड़ा समोसा, इसका प्राइस है 25 रुपया। तो गाइस देख लो लुक लाइक तो इसका बहुत अच्छा दिख रहा है। ये रहा यहाँ का वड़ा पाव, मेकिंग तो आपने लगभग पूरा देख लिया, फिर भी बता दो। देखो इसके अंदर इन्होंने 36 टाइप का मसाला डाला था और बटर डाला था और ये इसमें वड़ा की स्टफिंग किया था, ठीक है। इसमें आलू दिख रहा है, लेते हैं सबसे पहला बाइट। इसमें ये चटनी दिया इन्होंने और साथ में ये मिर्ची है, तो इसको बाइट ले लेते। देखिए बहुत बढ़िया, इसके अंदर जो इसको स्पेशल बना रहा है ना वो इनका 36 प्रकार का मसाला है। इसमें जो इन्होंने आलू का जो मसाला तैयार किया था, मावा तैयार किया था, वो भी बहुत बढ़िया है और चटनी भी इस यहाँ की काफ़ी अच्छी है, तो ये मुझे काफ़ी पसंद आया। दूसरा है यहाँ का रगड़ा समोसा, इसको बनाने के लिए इन्होंने एक बिग साइज़ का समोसा लिया था। इसमें खट्टी चटनी, मीठी चटनी और दही डाला था और इसके ऊपर रगड़ा डाला था, ठीक है, और लास्ट में इसको सेव डाल के सर्व किया था। तो लेते हैं सबसे पहला बाइट इसका। बहुत बढ़िया, इसके अंदर जो इन्होंने चटनी डाली थी वो अच्छा फ्लेयर कर रहा है, स्वाद काफ़ी अच्छा है और ये जो इन्होंने सेव डाला था इसकी वजह से आपको थोड़ा सा इसमें क्रिस्पनेस भी लगेगा, प्याज भी डाला है, तो ये दोनों आइटम मुझे बहुत अच्छा लगा। एक काम करते हैं, देव का भी रिएक्शन देख लेते हैं। तो गाइस हमने जो ऑर्डर मंगाया था पूरा ख़त्म हो गया, काफ़ी मज़ा आया। और वड़ा पाव में मुझे सबसे अच्छा चीज़ लगा था ना, उसमें जो उन्हें चूड़ा डाला था उसकी वजह से वो काफ़ी क्रिस्पी लग रहा था, बटर भी अच्छा काम कर रहा था, दोनों आइटम काफ़ी अच्छा था, रगड़ा समोसा भी काफ़ी अच्छा था। देव को पूछते हैं, देव बता कैसा लगा? रगड़ा समोसा एक नंबर लगा, बहुत बढ़िया। तो गाइस आप लोग यहाँ पर आकर विजिट कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, वीडियो लास्ट तक देख लिया तो अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना। फिर मिलेंगे एक और नई अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।